कक्षा 8 गणित चैप्टर नंबर जो 9 है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं का जो प्रश्नावली 9.1 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर इस चैप्टर को प्लीज़ पढ़ाइए, तो मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 9.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी ज़रूरी है वो उनको हम जान लेते हैं, ठीक है। पहले उनको जान लेते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में हमें सुविधा होगी, आसानी होगी। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं पद, फिर गुणनखंड और गुणांक, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पद, पद का मतलब होता है कि कितने पद हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x + y, तो ये दो पद हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया x + y + k 1, तो ये कितने पद हैं, 1, 2, 3 पद हैं, ठीक है। तो ये पद के बारे में तो पता चल गया कि क्या होता है, सिंपल। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड क्या होता है इसका मतलब जान लीजिए। जैसे कि 2 × x, तो 2 और x की जो मैंने गुणा कर दी, ये इसके खंड है, दो इसका 2x का जो खंड, 2x जो मैंने लिखा ना, किन की किन का गुणा हुई, 2 और x की गुणा हुई, तो ये जो 2 है और ये जो x है, 2 और x का गुणनखंड क्या है, 2 और x है, अलग अलग लिखना, ठीक है। जैसे आप आपको पता है x² - y² जो होता है x + y × x - y, तो ये x² - y² का ये क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, ये क्या है, गुणनखंड है। उसके बाद गुणांक आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2xy, तो xy का जो ये जो गुणज है, ठीक है, जो आंकिक मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणन, उसे हम बोलते हैं गुणांक, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणांक। एकपदी, द्विपदी, बहुपदी तो मैं बता चुका हूँ, जिसमें एक पद हो, एक पदी होता है, जिसमें दो हो, दो पदी होते हैं। अच्छा तरीका यही रहेगा कि हम प्रश्नावली को करें और प्रश्नावली के साथ साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी बनता रहेगा और हम चीज़ें आती भी रहेंगी, बहुत ही आसान है। जैसे पहले प्रश्न में आ जाते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए, कि कितने पद हैं और कितने गुणांक हैं। सो इसमें कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तो कितने पद हैं, दो ही पद। पहला वाला देखो, पहले वाले का आंसर हो जाएगा द्विपद। गुणांक क्या है, जैसे x y z² का जो गुणांक है वो कितना है, 5 है। फिर z y का गुणांक कितना है, -k 3 है। चिन्हों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इधर कह रहे हैं इसमें कितने पद है, दूसरे वाले में, अगर दूसरे वाले को देखोगे कितने पद हैं, 1, 2, 3, तो पहला आंसर क्या होगा, त्रिपद, ठीक है, त्रिपद है। अब गुणांक निकालना है, ये जो एक है वो है अचर पद, क्या है, अचर पद। जब कोई एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं अचर पद। जैसे संख्यात्मक, सिर्फ संख्यात्मक पद होंगे ना, तो उसे बोला जाएगा अचर पद। जैसे कि 1, 2, 5, -5, -k 2, ऐसे पदों को हम क्या बोलेंगे, अचर पद। फिर देखो एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक 1 होगा, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो जिस संख्या के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता उसका गुणांक 1 होता है। फिर x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। आई बात समझ में, बहुत ही आसान था। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में, आप खुद देखो कितने पद हैं, 1, 2, 3, फिर से लिखोगे ये त्रिपद हैं, ठीक है। अब गुणांक पहचानने हैं, तो x² y² का गुणांक कितना है, 4 है। फिर लिखोगे x² y² z² का गुणांक कितना है, -4 है। फिर देखो z² का गुणांक कितना है, चिन्हों का भी ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है तो +1 है, ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे ही चौथे वाले पे आ जाओ, कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 4 पद है, ऐसे लिख दो 4 पद, ठीक है। फिर गुणांकों की बात करनी है, अचर पद कितना है हमारे पास, अचर पद हमारा 3 है। PQ का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 किसका 1 है, -1 है। फिर QR का गुणांक
क्यू आर का गुणांक कुछ नहीं है तो प्लस का एक है। फिर आर पी का गुणांक क्या हो जाए, कुछ नहीं तो एक, और किसका एक, माइनस का एक, क्योंकि किसी भी संख्या को हम एक से गुणा करेंगे तो वो वही रहते हैं। पांचवे पार्ट में आ जाओ, एक दो तीन पद हैं, त्रिपद, ठीक है, कितने पद हैं, त्रिपद हैं। उसके बाद देखो एक्स का गुणांक क्या है, एक बट्टे दो, इसके एक्स के साथ गुणे में है तो एक्स का गुणांक क्या है, एक बट्टे दो। वाई का गुणांक क्या है, एक बट्टे दो, है ना, बट्टे में दो और सामने कुछ नहीं तो एक। फिर एक्स वाई का गुणांक क्या है, एक्स वाई का गुणांक कुछ नहीं तो एक, किसका एक, माइनस के एक, क्योंकि देखो एक्स बट्टे दो को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बट्टे दो गुणा एक्स, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया, एक बट्टे दो। वाई का गुणांक क्या हो गया, एक बट्टे दो। छठा पे आ जाओ, छठे वाले प्रश्न पे, कितने पद हैं, एक दो तीन, त्रिपद है ये। फिर ए का गुणांक क्या है, दशमलव तीन। फिर बी, ए बी का गुणांक क्या है, माइनस के 0.6। फिर बी का गुणांक क्या है, तो बी का गुणांक क्या है, प्लस के 0.5। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो पहला प्रश्न है 9.1 का, वो हमने आराम से कर लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा कक्षा 8 गणित का। अब आ जाओ दूसरे वाले प्रश्न पे, ठीक है, कह रहे निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी द्विपदी त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एकपदी जो जो है वो लिख लेते हैं एक ही लाइन में, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर द्विपद, द्विपदी जिसमें दो पद होंगे, फिर लिखेंगे हम त्रिपदी जिसमें तीन पद होंगे। एक पद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे 1000, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, और कहाँ है देखो, नहीं सिर्फ एक पद वाला 1000 ही था। अब द्विपद में आ जाओ, एक देखो ये दो पद थे इसमें, तो लिख दो जो मिल रहा है x प्लस वाई कॉमा, फिर दो पद वाले ढूंढो, ये इसमें भी दो पद हैं, 2y माइनस के 3y स्क्वायर, दो पद हैं। फिर देखो और दो पद वाले ढूंढो, ये 4z माइनस के 15z स्क्वायर, दो पद हैं, और दो पद वाले ढूंढो। अच्छा ये पी की बार भी तो एक पद में था, एक ही पद है, ठीक है, जो मिल रहा है लिख दे रहे हैं, और ये भी दो पद में है, 2p प्लस 2q। फिर त्रिपद वाला ढूंढना है, बाकी सारे त्रिपद हैं, जैसे ये इसमें तीन पद हैं, ठीक है, ये तीन पद हैं, फिर ये तीन पद हैं, ठीक है, ये तीन पद हो गए, इसमें भी तीन पद हैं, वो सब लिखते जाओ जो तीन पद हैं, 5x माइनस के 4y 3xy। फिर ये भी तीन पद हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। फिर ये भी ये दो ही पद हम लिख चुके हैं इसको, है ना, पी स्क्वायर क्यू लिखा नहीं है इसको, नहीं लिखा तो यहाँ लिख दो, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये भी दो ही पद है। तो सारे हो गए, ये एक पद वाले हैं, ये दो ही पद वाले हैं, और ये त्रिपद वाले हैं, यही हमसे पता करने के लिए बोला था, आराम से निकाल दिया। जिसमें एक पद होता है वो एक पदी, जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी, जिसमें तीन पद होते हैं उसमें त्रिपदी कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी बीजगणित में आप योगफल करोगे तो समान चीज़ समान में जुड़ेगा, जैसे यहाँ ए है और यहाँ 2 है तो हम लिखेंगे 3a, अगर यहाँ ए है और यहाँ पर 5b है तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आ जाओ, इन सबको आपस में जोड़ना है, ए बी माइनस के बी सी जोड़ना है, देखो बी सी के नीचे बी सी रखो, जोड़ना है ना, जोड़ का चिन्ह लगा दो, बी सी माइनस के सी ए, फिर हमें क्या जोड़ना है, सी ए माइनस के ए बी, तीन पद, इसको इसको और इसको आपस में जोड़ना था तो जोड़ने का चिन्ह लगा दिया। देखो ये ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का है, कट जाएगा, समान चीज़ है,
समान चीज़ें आपस में जुड़ती हैं घटती हैं। देखो ये माइनस का बी सी है, ये प्लस का बी सी, ये कटा, ये प्लस का सी है, ये माइनस का सी है, ये भी कटा, तो सब कट गए, सब कट गए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ए बी हो लिखो या बी ए लिखो, मतलब एक ही होता है, ठीक है? मतलब क्या, एक गुणा दो करोगे या दो गुणा एक करोगे, आएगा तो दो ही ना, तो वो भी यही ऐसा ही है। ए गुणा बी लिखो या बी गुणा ए लिखो, ए बी लिखो या बी बी ए लिखो, बात एक ही होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बन गया, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं, देखो यहाँ सब अलग अलग पार्ट है, यहाँ लिखा है ना ए माइनस बी प्लस ए बी, अब उसके साथ हमें जोड़ना है बी माइनस सी, ये लिख दिया, ठीक है? उसके साथ हमें क्या जोड़ना है, देखिए प्लस का बी सी भी है, ओके, उसके साथ हमें जोड़ना है सी माइनस ए प्लस का ए सी, ठीक है? ये शब्द लिख, अब ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, ये कट जाएगा, ठीक है? ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, ये कट जाएगा, ये कटा, फिर ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, कटा, समान समान है तभी कट रहा है, ये माइनस का सी है, ये प्लस का सी है, ये कटा, ये प्लस का ए बी बचेगा और प्लस का ए सी बचा। तो देखो उभयनिष्ठ निकाल सकते हो, उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में गुणनखंड के रूप में है और दोनों में उसका भागा चला जाएगा। तो ए अगर बाहर निकालोगे, यहाँ से ए बाहर आएगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ से ए बाहर आ गया तो यहाँ से सी बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो वैसे तो। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, थर्ड वाला पार्ट आपका ये क्वेश्चन रहा, देखिए इसको हम करते हैं। क्या लिखा है, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस के थ्री पी क्यू प्लस फोर, उसमें फिर जोड़ना है पाँच, फिर सेवन पी क्यू और फिर माइनस के थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। अब देखो सेम टाइप का है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दो पी स्क्वायर में से तीन पी स्क्वायर घटाओगे तो एक पी स्क्वायर बच जाएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा वाला है। सात पी क्यू में से तीन पी क्यू घटाओगे तो बचेगा चार पी क्यू, और पाँच और चार कितना होता है, नौ, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतना आसान है। तो मतलब समान समान अगर दिख रहा है तो जोड़ो घटाओ, सीधी सी बात है, वरना वैसे का वैसे ही लिख दो। चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ, ये देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर, उसके साथ मेरे को जोड़ना है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, उसके साथ मेरे को जोड़ना है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसके साथ मेरे को जोड़ना है टू एल एम टू एम एन, ये एन है, ठीक है, और टू एन एल, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एल स्क्वायर, एम स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एम स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एन स्क्वायर। बाकी ये सब जुड़ ही नहीं सकते, ये अलग अलग टाइप के हैं, तो ये ऐसे के वैसे ही लिख दो, क्योंकि यहाँ एल एम है तो यहाँ एम एन है, सेम टाइप होना चाहिए पूरा तभी जुड़ेगा, यहाँ एल एम है तो यहाँ एल एम होता तब जुड़ता, क्योंकि यहाँ एल एम है यहाँ एम एन है तो जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर टू एम एन लिख दो और यहाँ टू एन एल लिख दो, हो गया ये आंसर, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन में जोड़ा था पाँच, चौथे वाले में आपको घटाना है, घटाने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए, बड़ा आसान है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि ये 12a माइनस के 9ab प्लस का 5b माइनस 3, इसमें से घटाना है ये वाला चीज़, तो घटाने का चिन्ह लगा दिया, 4a माइनस के 7ab प्लस के 3b प्लस के 12, ऐसे लिखना है हमेशा। अब आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो प्लस वाले सारे बदल दिए, चिन्ह बदल दिए सारे अंदर के। 12a में से 4a घटाओगे तो 8a, माइनस के 9ab प्लस के 7ab, 9 से 7 झाटेगा 2 बचेगा, और इसका चिन्ह बड़ा है तो वो लिख दिया। 5b में से 3b घटाओगे 2b बचेगा, माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस के 15, आंसर ठीक हो गया आराम से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी वाले पार्ट में, इसमें से इसको घटाना है, तो पहले अच्छे से लिख लेते हैं, मैं इस तरफ लिख ले रहा हूँ पहले, 5xy माइनस के 2yz 2zx प्लस
दस एक्स वाई जेड, घटाना है तीन एक्स वाई पाँच वाई जेड माइनस के सेवन जेड एक्स। ठीक है, ये देखो इसमें से ये घटाना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला तो कुछ करना नहीं, पहले वाला वैसे वैसे ही रखो। ये एक्स है, ठीक है। अब बाहर लगा है ब्रैकेट के माइनस, तो माइनस खोल दो, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। पाँच एक्स वाई तीन एक्स वाई, पाँच में से तीन घटाना है तो कितना हो जाएगा दो एक्स वाई, दो वाई जेड पाँच वाई जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के सात वाई जेड। फिर टू जेड एक्स, ये सात जेड एक्स में से टू जेड एक्स घटाओगे तो पाँच जेड एक्स, और ये बच जाएगा प्लस के दस एक्स वाई जेड आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी भी होगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी भी करते हैं। अट्ठारह तीन पी माइनस के ग्यारह क्यू प्लस पाँच के पी क्यू माइनस के टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पाँच पी स्क्वायर क्यू। बड़ा होने से ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है, इसमें तो इतना लिखा पूरा दस दे दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखो इस वाले को थोड़ा खोलते नहीं है, बिना कर ऐसे ही कर रहे हैं। देखो पहले लिख लेना, खोलने सिखाया तो खोल के करते हैं। अट्ठारह ऊपर वाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रखो। अब देखो ये माइनस चिन्ह बदल देते ना, माइनस 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 का हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल देते हैं बस सिंपली, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, ब्रैकेट से खोला माइनस, तो अब देखो 18 और 10 क्या हो गया 28, तीन पी और पी का है भाई पी 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 पी, आठ पी, आठ पी में से तीन पी घटाओगे पाँच पी। क्यों है अब क्यों है इधर और कहाँ क्यों है, ग्यारह क्यों और ग्यारह में से सात, ये भी माइनस का ही है तो माइनस के 18 क्यों। पी क्यों, इधर पी क्यों है और पी क्यों कहाँ है, ये पाँच पी क्यू और तीन पी क्यू आठ पी क्यू। पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर, दो पी स्क्वायर माइनस का है माइनस के पाँच पी स्क्वायर माइनस के सात पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू, पाँच पी स्क्वायर क्यू और ये पाँच पी स्क्वायर क्यू, ये प्लस का है ये, नहीं नहीं ये पाँच पी स्क्वायर क्यू, ये चार पी स्क्वायर क्यू, तो बचेगा सिर्फ एक पी स्क्वायर क्यू। ठीक, बाकी तो सब लिख दिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 9.1 को पूरा सरल कर लिया है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।